नमस्कार दोस्तों, एक बिस्सा में कितना बड़ा प्लाट इसको सवाल किए हुए हैं, इसको जानेंगे। पूरा वीडियो को देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छे से अच्छे यूट्यूब में देखने को मिलेंगे, और आज देखने को मिल भी रहा है। एक बिस्सा बराबर होता है दोस्तों 126.4642 स्क्वायर मीटर होता है, और हेक्टेयर में 0.01246 हेक्टेयर होता है, और गट्ठा में इसको नापेंगे तो 20 स्क्वायर गट्ठा होता है एक बिस्सा बराबर दोस्तों। और एक काठा बराबर 1361 स्क्वायर फीट होता है, और एक काठा बराबर 600 स्क्वायर फीट भी कहीं होता है। ये अपने जगह में जो होता है उसको जान लीजिए और समझ लीजिएगा दोस्तों। हम लोग इसको जानेंगे, एक बिस्सा और ये काठा, ये बराबर भी है, और जो है इसको अधिक जगह पर अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है इसका। ये स्टैंडर्ड बिस्सा है, और उतना ही बड़ा क्षेत्र ये है दोस्तों, इसको जानेंगे। देख लीजिए, पहले मीटर से जान लेते हैं कितना बड़ा प्लाट होगा मीटर में। ये देख लीजिए, 20 मीटर इसकी लंबाई है, और 6.323 मीटर ये चौड़ाई है दोस्तों। या तो इसको वर्ग भी बना सकते हैं, तो मैं आयत बनाया हूं, और इसको फुट में कन्वर्ट करने के लिए इसको गज में कन्वर्ट कीजिए। गज में बदलने के लिए 20 मीटर को पहले बदल लेते हैं, 20.09144। ये जो है एक गज का मीटर है दोस्तों, एक गज बराबर इतना मीटर होता है, तो गज में परिवर्तित करने के लिए हम इससे भाग दे रहे हैं। भाग देने पर निकल आता है ये 21.8722, ये 65.68 गज दोस्तों, ये गज में है। 20 मीटर बराबर इतना गज होता है, और 6 मीटर का भी इसी तरह भाग कर लीजिए, 6.323 बटे 0.9144, तो बराबर हो जाएगा 6.9149168854 गज। विचार है, इतना गज हुआ दोस्तों। अब स्क्वायर गज निकाल लीजिए और फीट में बदल लेते हैं, इतना आता है कि नहीं देख लीजिए। 21.87, ये 22.65, 96.68 गुड़े 6.914919688854, इसको गुड़े करने पर निकलता है दोस्तों 151.2440125566 स्क्वायर गज आया। इतना स्क्वायर गज आया है दोस्तों। एक स्क्वायर गज बराबर 9 स्क्वायर फुट होता है, तो इसको 9 से गुणा कर दीजिए। एक स्क्वायर गज बराबर 9 स्क्वायर फुट है, इससे भाग कर देते हैं तो निकल आता है
सॉरी भाग नहीं दोस्तों, गुणा 1361.204 स्क्वायर फुट दोस्तों, इतना स्क्वायर फुट निकाल आया दोस्तों, जो कि एक काठा बारह 1361 स्क्वायर फीट है उसके बराबर है दोस्तों। और देख लेते हैं गट्ठा से, देख लेते हैं दोस्तों गट्ठा से भी निकालना जानिए, 20 स्क्वायर गट्ठा है तो इसको ले लीजिए, इधर नाप लीजिए 5 गट्ठा, ये 5 गट्ठा हुआ, अब इधर 4 गट्ठा, इसकी चौड़ाई 4 गट्ठा और लंबाई 5 गट्ठा, एक गट्ठा बराबर 99 इंच होता है, ये भी स्टैंडर्ड गट्ठा है, तो 4 × 99 बराबर 396 इंच हुआ, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, 12 से भाग कर दीजिए तो बराबर आएगा 33 फुट इसकी लंबाई होगा दोस्तों, सॉरी चौड़ाई 33 फुट चौड़ाई होगा, 33 फुट लिख लीजिए, 4 गट्ठा बराबर 33 फुट। इसी तरह 5 गट्ठा का निकाल लीजिए, 5 × 99 = 495 बाई 12 कर लीजिए, भाग करके देख लीजिए, ये निकलता है 41.25 फुट, 5 गट्ठा बराबर 41.25 फुट हुआ दोस्तों। अब गुणा कर लीजिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणी चौड़ाई, ये 41.25 × 33 कर दीजिए तो बराबर आता है ये 1361.25 स्क्वायर फुट। इस तरह से आसानी से निकाल लिए दोस्तों 1361.25, ये जो है लगभग बराबर है, जो पॉइंट के बाद जो डिफरेंस है ये दशमलव के बाद का होता है, जो कि कम बेसी अंक लिखने से इधर दशमलव के बाद का, तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीका से जाना जा सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।